हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे। थोड़ा रिवाइज करते हैं हम कि एटम क्या है। कोई भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है। एटम उस मैटर यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है जिसको और हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते या बांट नहीं सकते हैं। एटम की स्ट्रक्चर जो हमने पहले ले पढ़ी थी, मेनली एटम में तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के केंद्र में पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हुए? न्यूक्लियस यानी एटम के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कि मास, चार्ज और चार्ज की क्या यूनिट है वो देखी थी। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। अगर इन तीनों के मास को हम कंपेरिजन करें तो नीचे मैंने रेड लाइन रेड कलर में लिखा है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों का मास बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इनके मास के कंपेरिजन में 1840 गुना कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम प्रोटॉन से कंपेरिजन करें तो भी 1840 गुना कम है, और न्यूट्रॉन की तुलना में भी इलेक्ट्रॉन का मास 1840 गुना कम है। एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरियां दी गई हैं, जैसे जॉन डाल्टन की थ्योरी, थॉमसन की थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी, बोहर प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, प्लैंक का सिद्धांत और आइंस्टीन के सिद्धांत को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को देखते हैं। जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है, और एटम किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है जिसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। और पदार्थ जिन एटम से बना होता है वो सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं जी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम से कोई बनता है तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए एक जो पिक्चर है वो ये है, बीच में आप देख रहे हैं सेंटर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। फिर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जे जे थॉमसन ने यह बताया कि कोई भी एटम छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन ने जो मॉडल बनाया उसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल का। प्लम पुडिंग मॉडल की स्ट्रक्चर भी है, ये देखिए, ये प्लम पुडिंग मॉडल की स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्ट चारों ओर घूम रहे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल में है। ये प्लम पुडिंग मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और रदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल के द्वारा नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की को टकराया किससे? सोने की एक पतली प्लेट ली और रदरफोर्ड ने जिस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को टकराया तो लगभग सारी किरणें तो सीधी दिशा में गमन करके चली गई, कुछ किरणें हल्की से अपने मार्ग से विचलित हुई और 2000 में से एक किरण ही वापस लौट के आ गई। तो 2000 में से जो एक किरण वापस लौट के आई वो न्यूक्लियस के संपर्क में आई, और न्यूक्लियस से अपनी जिस दिशा में आई उसकी अपोजिट दिशा में वापस लौट गई।
ये इनका एक्सपेरिमेंट है। रेडियम, रेडियम से इन्होंने अल्फा पार्टिकल जनरेट किए। ये जो पतली गोल्ड फिन सोने की फॉइल है जिस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को टकराया, एक किरण वापस लौट के आई, कुछ किरणें विभिन्न कोणों पे विचलित हुई और मैक्सिमम के किरणें सीधी रेखा में गमन करते हुए पन्नी को पार करके चली गई। ये दूसरी डायरेक्शन से हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का फोटो देख सकते हैं। फिर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का पाथ कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस यानी नाभिक से दूरी कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपने एक पाथ से यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करते हैं तब क्या होता है, वो सब हमें बोहर मॉडल के द्वारा समझाया गया है। बोहर मॉडल 1913 में दिया गया था। इस पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटोन का उत्सर्जन है करता। इस तरह से बीच में सेंटर में नाभिक है, न्यूक्लियस, फिर N1, N2, N3, N4, N5 ये डिफरेंट कक्षाएं हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो लाइट का इमिजन करेगा, जो रेड से दर्शाया गया है, निम्न से उच्च में जाएगा तो लाइट का अब्जॉर्प्शन करेगा। ये मॉडर्न थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बस एनर्जी के डिफरेंट लेवल E1, E2, E3, E4 को बताया गया है। ये नोट्स मेनली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं, हिंदी मीडियम वाले नोट्स मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में पुट कर दिए हैं। सिंपल सोडियम है जिसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम Na की जगह Na प्लस की बात करें, प्लस चार्ज आए यानी एक माइनस चार्ज बाहर निकल गया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन की जगह 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, जैसे सिंपल क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया जाए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो Cl को हम Cl माइनस से प्रदर्शित करेंगे। QM नंबर यानी क्वांटम नंबर, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर के लिए यहाँ सिर्फ एक ही स्लाइड दी गई है। विभिन्न कक्षाएं, एस ऑर्बिटल गोल होगा, पी ऑर्बिटल डम्बलाकार, डी ऑर्बिटल में 4 और डम्बल और एफ ऑर्बिटल जिसमें 8 है डम्बल, ये डिफरेंट ऑर्बिटल की संरचनाएं हैं, लोब जिन्हें हम कहते हैं। ये एटम के डिफरेंट ऊर्जा स्तर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं वो समझाया गया है। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s के बाद 3d का नंबर आता है, 4s के बाद 3d का। एटॉमिक साइंस आजकल डिफरेंट हाई लेवल पे भी चली गई है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन को स्टडी करते हैं, एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल, क्वांटम डॉट, क्वांटम जंप, ब्लैक होल को स्टडी करते हैं। थैंक यू।